तालिबान ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि उसने पंजशीर प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया है और विरोधी दल के नेताओं का कुछ पता नहीं है। दूसरी ओर तालिबान विरोधी गुट नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट यानी NRF के नेता अहमद मसूद ने ट्वीट करके बताया है कि वह सुरक्षित हैं। मसूद ने ट्वीट किया है, मैं सुरक्षित हूँ मित्रों, चिंता ना करें। NRF ने तालिबान के दावों का खंडन किया है और उसका कहना है कि वह अभी सभी मोर्चों पर डटा हुआ है। विरोधी गुट के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि NRF के सुरक्षा बल घाटी की सभी रणनीतिक जगहों पर अभी मौजूद हैं और लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। हम अफगानिस्तान के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि तालिबान और उनके साझेदारों के खिलाफ जंग जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय और स्वतंत्रता की जीत नहीं होती। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें तालिबान के लड़ाके प्रांतीय गवर्नर के कंपाउंड के दरवाजे के आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। उधर सोमवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद से यह सवाल पूछा गया कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन कब होगा, तो इस सवाल पर वह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। वह बार बार यही बात दोहराते रहे कि यह एक समावेशी सरकार होगी, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वह इससे अधिक जानकारी अभी नहीं दे सकते हैं। नई सरकार का गठन की घोषणा अफगानिस्तान में कभी भी हो सकती है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ने इसको लेकर कोई खास वक्त अभी नहीं बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि उनके शीर्ष नेता अबीहुल्ला अखुंडजादा जिंदा हैं और वे जल्द ही सार्वजनिक रूप से नज़र आएंगे। ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि तालिबान के शीर्ष नेता कहाँ हैं और वह सार्वजनिक रूप से अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं। मई 2016 में अखुंडजादा तालिबान के सुप्रीम कमांडर बने थे। माना जाता है कि उनकी उम्र 60 के पार है और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अफगानिस्तान में ही बिताया है। तालिबान के सुप्रीम कमांडर होने के नाते अखुंडजादा राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक मामलों के इंचार्ज हैं। तालिबान के महिलाओं के साथ व्यवहार को लेकर प्रवक्ता मुजाहिद से एक बार फिर सवाल किया गया तो उन्होंने पहले की तरह दोहराया कि शरिया या इस्लामी कानून के तहत महिला अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तालिबान के इस दावे के बावजूद अफगानिस्तान में महिलाओं के उत्पीड़न की रिपोर्टें बढ़ती जा रही हैं। रविवार को तालिबान के लड़ाकों ने खोर प्रांत में एक महिला पुलिसकर्मी को गोली मार दी थी, ऐसी भी रिपोर्टें सामने आई हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।